कहलगांव का मंदिर जो कि गाइस गंगा के बीच में है गाइस। हेलो गाइस, हम प्रकाश राय बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हो गाइस, क्या होना चाहो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी है कहलगांव घाट में गाइस, जाना है गाइस कहलगांव का मंदिर जो कि गाइस गंगा के बीच में है गाइस। अभी का लोकेशन गाइस इतना धासु हो गया है गाइस कि उस पर जाओगे फुल मजा आएगा गाइस। तो उस पर जाने का सेटिंग लगा रहे गाइस, सवारी मिलेगा और इधर से हम लोग निकलेंगे गाइस। ज़बरदस्त आइलैंड हो गया गाइस, उस पर बहुत मज़ा आता है गाइस, तीनों मंदिर घूमना है। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होगा फुल धासु होगा, तो वीडियो बन रहे ना मिलते को। फाइनली सेटिंग लग गया है उस पर जाने का, जहाज तैयार हो रहा है, बहुत मजा आएगा गाइस उस पर। ये रहा गाइस अपना देसी नाव, फुल एंटरटेनमेंट होगा। मंदिर का नाम क्या है? हेलो शांत बाबा। ये मंदिर का नाम है गाइस शांत बाबा, जो कि गाइस बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये पहला मंदिर का दर्शन लोकेशन है गाइस धासु, देख लो दूसरा बोट भी इधर आ रहा है। अंदर अंदर गाइस देखते हैं क्या क्या है अंदर, तो बहुत मजा आएगा। मंदिर है, जबरदस्त मंदिर है गाइस। यहाँ पे शांतिपूर्वक वीडियो शूट करना पड़ेगा गाइस, कैमरा वगैरह सब चलाना अलाउड नहीं है। ये सब देख रहे हो गाइस कितना जबरदस्त डिजाइन का बना हुआ है रथ। हाय गाइस, गजब एरिया, बड़ा पत्थर के बीच में रास्ता, धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। जब इधर का लोकेशन गजब, यहाँ से आपको गए उस पार्क का आइलैंड और मंदिर आपको दिखेगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो गया गाइस। आप आ जाओगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। सीढ़ी से ऊपर देखते हैं मंदिर में क्या क्या है। उस वाले में तो शूट करने नहीं दिया, इस वाले में आपको दिखाते हैं क्या क्या। यहाँ से पहले आप नीचे का व्यू देखो, गजब मंदिर दिखाते हैं। मंदिर भी इसमें भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं यार, इधर कुछ तो उस साइड तो कुछ नहीं था, अब इस साइड चलते हैं, इधर देखते हैं क्या क्या है। पहले से बहुत चेंज हो गया गाइस, ये सब रूम वगैरह सब बना हुआ नहीं था और इसमें अभी बाबा वगैरह सब नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे गाइस, आपको सुकून मिलेगा इधर। अब बैठ के आप आराम से भजन वगैरह सब कर सकते हो, भजन के लिए सारा कुछ है। बाबा लोग बहुत कुछ यहाँ पे मैनेज करके रखे हैं गाइस, पानी का भी टेंशन नहीं है गाइस, नल वगैरह सब बहुत लगा हुआ है। फिलहाल तो यहाँ पे बाबा वगैरह सब नहीं है, इन एरिया बहुत अच्छा है गाइस। सामने से वो जो मंदिर दिख रहा है गाइस, गजब है, वो तो बहुत मस्त लग रहा है।
गाइस मैन लेस इधर है गाइस, क्या एरिया है गाइस, थाईलैंड फैल देख रहे हो गाइस, रेत रेत का मजा लो गाइस, बहुत खूबसूरत जगह हो गया गाइस। ये सिर्फ गर्मी में ही आपको मजा दे सकता है, पानी के बीच में ये गाइस बड़ा सा आइलैंड, बड़ा ये रहा अपना थ्री आइलैंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये रहा थर्ड, तीनों जबरदस्त है गाइस। गंगा के बीच में गाइस तीन मंदिर, तीनों दासों। तीसरे वाले मंदिर में गाइस, ये वाला बहुत ऊंचा है गाइस, जूता में गाइस पूरा रेत चला गया, चलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा वाला मंदिर बहुत ऊंचा है गाइस, देख रहे हो सीढ़ी का ऊपर फट जाएगा ऊपर जाने में, ऊपर जैसे पहुंचोगे गाइस बाबा का फोटो दिख जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मंदिर आपको दिख जाएगा, दिख गया। यहाँ पे पांच छह मंदिर है गाइस, तो घूमते हैं देखते हैं मंदिर में क्या क्या है। गाइस मंदिर बजरंगबली का लगा हुआ है, इधर बाबा जी का लगा हुआ है गाइस, ये वाला आश्रम है गाइस, लेकिन बहुत कुछ है, कृष्ण जी का राधा जी का बाबा सोए हुए हैं, अच्छा नजारा है यहाँ का। ये वाला मेरे को बहुत मस्त लगा, तो बैठ के आप इजीली आराम वगैरह सब कर सकते हो। इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ इस नीचे का, जन्नत हो गया है गाइस ये वाला जगह, दूर दूर तक आपको सिर्फ रेत दिखेगा गाइस, ये अपना बिहार का ही है गाइस। गाइस फाइनली घुमा हुआ हो गया गाइस, तीनों आइलैंड घूम के बहुत मजा आया गाइस, बहुत खूबसूरत है गाइस, पहले से बहुत धांसू लग रहा है गाइस, पानी जब से सूखा है गाइस, गाइस लग ही नहीं रहा है गाइस ये कहलगांव का ये गंगा जी है, लग रहा है कोई थाईलैंड वाला प्लेस घूम रहा है, मस्त व्यू है गाइस। अभी अगर आओगे ना इधर आपको फुल लैस मिलेगा इस, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लोकेशन बन गया है गाइस, और ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा इस तीनों मंदिर घूमने के लिए, 200-300 में पूरा रिजर्व कर लो, पांच छः आदमी आराम से घूमोगे गाइस, बहुत मज़ा आएगा। और गाइस ज़्यादा दूर भी नहीं है कहलगांव से ये घाट, 5 मिनट लगेगा पैदल गाइस, इजीली आप घाट पहुंच जाओगे, तीनों आइलैंड घूम लोगे ना दिल खुश हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।